रहे हैं, जो लोग भारतीय बोलकर और छात्राओं के ऊपर एसिड अटैक करते हैं, वो सभी लोग आज छपाक का विरोध कर रहे हैं और हम सभी लोग ये होने नहीं देंगे। ये बिहार है, यहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर और भारतीय बोलकर छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों का नकाब हटाने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। जो लोग अपने आप को भारतीय बोलकर और कैंपस में उन्माद फैलाएंगे तो सबसे पहले ये लाठी है मार के पिठास फाड़ देंगे, अगर वो लोकतंत्र में नहीं समझते हमारी बात को तो। नमस्कार, मैं अमन और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मोना सिनेमास के बाहर हैं कारगिल चौक पे, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि मुद्दा क्या है, वो क्यों इकट्ठा हुए हैं आज। आज जो लोग छपाक का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल समाज में माँ बहनों के जो आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भारतीय बोलकर और कैंपस में उन्माद फैला रहे हैं, जो लोग अपने आप को भारतीय बोलकर और छात्राओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग भारतीय बोलकर और छात्राओं के ऊपर एसिड अटैक करते हैं, वो सभी लोग आज छपाक का विरोध कर रहे हैं और हम सभी लोग ये होने नहीं देंगे। ये बिहार है, यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भारतीय बोलकर छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों का नकाब हटाने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। जो लोग अपने आप को भारतीय बोलकर और कैंपस में उन्माद फैलाएंगे तो सबसे पहले ये लाठी है मार के पिठास फाड़ देंगे, अगर वो लोकतंत्र में नहीं समझते हमारी बात को तो। अगर हम भगत सिंह को भी मानते हैं तो हम गांधी को भी मानते हैं, तो गांधीवादी तरीके से हम लोग तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध कर रहे हैं। आप पुलिस और गोली से हम लोगों को मारना चाहते हैं, जेल भेजवाना चाहते हैं, तो आइए आइए हम भगत सिंह के राह पर हैं, हमें मारिए, हमें पीटिए, और अगर हमें अपने डिफेंस में अगर लाठी उठानी पड़ेगी तो ये हम उठाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार के सिनेमा हॉल के घर के बाहर पप्पू यादव के समर्थक, जन अधिकार पार्टी के समर्थक, जन अधिकार छात्र परिषद के लोग आज एकत्रित हैं कि जो लोग आएंगे विरोध करने उनका मुँह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि उनमें ये हिम्मत है, वो लोग केवल दुम दबाकर और नकाब पहनकर और समाज में उन्माद फैलाते हैं। हम लोग नकाब हटाकर इस देश के, इस समाज की रक्षा करने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। आपका नाम? विशाल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पप्पू यादव की पार्टी के लोग आए हुए हैं, जाप के लोग आए हुए हैं, मूवी का समर्थन के लिए आए हुए हैं लोग, और वो बोल रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, अगर किसी तरह का कोई विरोध होता है तो लाठियों से मार के तोड़ देंगे। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप लाइव सिटीज देखते रहे, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। जो लोग भारतीय बोलकर और छात्राओं के ऊपर एसिड अटैक करते हैं वो सभी लोग आज छपाक का विरोध कर रहे हैं और हम सभी लोग ये होने नहीं देंगे। ये बिहार है, यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भारतीय बोलकर छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों का नकाब हटाने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। जो लोग अपने आप को भारतीय बोलकर और कैंपस में उन्माद फैलाएंगे तो सबसे पहले ये लाठी है मार के पिठास फाड़ देंगे, अगर वो लोकतंत्र में नहीं समझते हमारी बात को तो।